Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Today we are going to start the chapter 3. Chapter name is We Need House. We Need House. So let us start the chapter first. This one. Now, everybody needs a home to live in. A major part of one's life is spent at home. A house keeps us safe. It protects us from the hardships of weather and enemies. The kind of house we build depends upon our needs and the money we can spend. We see various types of house around us. Some are big, others are small. They are built of different materials. तो start कर रहे हैं, तो आप समझिए क्या, हम सभी को घर चाहिए. हम अपने ज़्यादातर पार्ट कहाँ बिताते हैं, अपने घर में बिताते हैं. मतलब जो हमारी लाइफ का पूरा टाइम जो होता है, हम स्पेंड कहाँ करते हैं, अपने घर में स्पेंड करना पसंद करते हैं. और क्या है, हमें हाउस क्या करता है, सेफ रखता है, वो प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे वेदर कंडीशन से और एनिमीज से, जो हमारे दुश्मन हैं उनसे. हमारे पास बहुत सारे हाउस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं अपनी नीड के लिए और अपने मनी के हिसाब से. जितना हमारे पास पैसा होता है उसी हिसाब से अपने घर को बनाते हैं और अपनी सजावट भी उसी टाइप से हम करते हैं. उसके अलावा क्या है, बहुत टाइप्स के हम हाउसेस देख सकते हैं, या तो कुछ बिग्स होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ऑल टाइप्स ऑफ हाउसेज हैव फॉलोइंग थिंग्स इन द कॉमन. सारे हाउसेज में एक ही चीज़ कॉमन हो सकती है, वो ये तीन चीज़ें हैं. ऑल टाइप्स ऑफ हाउस हैव रूफ्स एंड सम काइंड्स. तो जो भी क्या होगी, सारे हाउसेज में क्या होगी, छत तो ज़रूर होगी, जिसे बोलते हैं रूफ तो ज़रूर होगी. ऑल ऑफ देम हैव वॉल्स एंड डोरवेज ऑफ सम काइंड. तो कुछ ना कुछ उसमें जो कहते हैं दीवारें, जो दीवार होगी और उसके बाद उसमें क्या होगा, गेट भी लगा होगा, सभी घर में होगा. ऑल हेल्प अस टू कीप आउट द सन, आउट द हॉट सन रेन एंड विंड. तो सभी घर में क्या होगा, जो थोड़ा सा जो गर्म सन है उससे थोड़ा दूर रखने के लिए, बचाने के लिए, और रेन से बचाने के लिए, और ज़्यादा तेज़ स्टॉर्म जो आता है, विंड आती है, उससे भी बचाने के लिए हमारे घर में जो हमारी वो भी हमें मदद करता होगा. ऐसा तो नहीं होगा कि घर में छेद होगा, उसमें से हवा भी आती होगी, धूल भी आती होगी और हमारे को बहुत परेशानी होती होगी, डस्ट आती होगी. ऐसा तो घर में किसी के नहीं होता है. सभी के मम्मा पापा ऐसा घर बनाते हैं जिससे सन रेज भी उतनी आए जितने हार्मफुल ना हो, और रेन भी ना आए जिससे हम ज़्यादा लोग भीगे नहीं या सामान भी ना डिस्ट्रॉय हो. मोस्ट ऑफ बिग हाउसेज हैव ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम, अ बाथरूम, अ टॉयलेट एंड अ स्टोर रूम. जो बड़े बिग हाउसेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है, ड्राइंग रूम होता है जहाँ क्या होता है, सोफ़ा सेट जिसे बोलते हैं, और टीवी जिसे बोलते हैं. जब कोई गेस्ट आता है तब हम किसी को बैठाते हैं तो वो ड्राइंग रूम प्रेजेंट होता है, बेडरूम प्रेजेंट होता है, बाथरूम प्रेजेंट होता है, किचन प्रेजेंट होता है. इसके अलावा टॉयलेट हो गया एंड डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम जहाँ हम लोग क्या करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं. नेक्स्ट क्या है, स्टडी रूम जहाँ हम पढ़ते हैं, एंड लास्ट वन इज़ स्टोर रूम, प्रेजेंट होता है एक बिग हाउस में. इफ़ द हाउस इज़ स्मॉल वी यूज़ वन रूम फॉर मोर देन वन पर्पस. ठीक है, अगर हमारा घर छोटा है तो एक ही रूम को हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. दैट द रूम कैन बी डिवाइडेड टू मेक एडजस्टमेंट्स फॉर कुकिंग, स्टोरिंग एंड स्लीपिंग. हमारे घर में क्या है, अगर हम कुछ रूम में क्या करना चाहते हैं, अगर हमारे पास एक रूम है तो उसी को हम डिवाइड कर लेते हैं कुकिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, उसी में हम अपने सामान को स्टोर करते हैं, और क्या है, सोने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं. केयर शुड बी टेकन टू पुट थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज. और लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा थोड़ी सी देख रेख करते हैं कि हम जो सामान जहाँ से लिया है वही सामान वही उसी जगह पर रखते हैं. नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ गुड हाउस. गुड हाउसेस में क्या नीड होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अ गुड हाउस शुड हैव सम एसेंशियल फीचर. कुछ एसेंशियल फीचर होते हैं, जैसे क्या है, फर्स्ट वन इज अ हाउस शुड बी एयरी एंड वेल लिट. क्या होना चाहिए, हमारा हाउस एयरी मतलब फ्रेश एयर आनी चाहिए उसमें से, अच्छे से आनी चाहिए, और उसमें कवर करने के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए. जैसे अ गुड हाउस शुड हैव थिक वॉल्स फॉर सेफ्टी एंड लार्ज विंडोज टू अलाउ प्लेंटी ऑफ एयर एंड लाइट टू कम इन. क्या है, हमारे घर में एक बड़ी सी मोटी मोटी जो हमारी बॉर्डरिंग दीवार होती है वो ऊंची दीवार होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारा जो घर है उसमें क्या होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बिग बिग विंडो होनी चाहिए. बिग बिग मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन विंडो बड़ी बड़ी होनी चाहिए जिससे हमारी फ्रेश एयर आ सके और लाइट भी आ सके. द हाउस शुड हैव हाई सीलिंग्स टू कीप द हाउस कूल एंड ऑन द हॉट डेज. और हमारी जो सीलिंग होती है मतलब हमारी जो छत होती है जिसमें हम फैन लगता है, उस वो हमसे जो हमारी उसकी हाइट होनी चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, गर्मियों के दिनों में हमारा घर ठंडा रहेगा. द डोर्स एंड विंडो शुड फेस ईच अदर सो दैट द एयर कैन पास फ्रीली. और विंडो और जो जो हमारा डोर होता है वो आमने सामने होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी एयर है जो वो क्लियरली क्या हो पाएगी, पास हो पाएगी, एक साइड से आएगी और एक साइड से बाहर निकल जाएगी, जिससे फ्रेश एयर रह पाएगी. दिस इज नोन एज
क्रॉस वेंटिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस वेंटिलेशन आमने सामने अपोजिट साइड होना चाहिए। इट प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग। अ गुड हाउस शुड हैव अ लॉन फॉर इंजॉइंग द फ्रेश एयर एंड सनशाइन। तो अगर इसके अलावा हमारे अच्छे घर में क्या होना चाहिए, लॉन होना चाहिए, छोटा सा गार्डन होना चाहिए, जिसे बोलते हैं क्या हो सके, हम फ्रेश एयर ले सकें और सनशाइन जो हमारे सुबह की रोशनी होती है वो हम ज़रूर से ले सकें। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेस फॉर चिल्ड्रेंस टू प्ले, और ऐसी जगह भी जिसमें हम खेल सकें, हमारे बच्चे खेल सकें या आप लोग खेल सकें, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, अ हाउस शुड हैव गुड ड्रेनेज। क्या होना चाहिए, गुड ड्रेनेज मतलब जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो या कहिए जो हमारा गंदा पानी है, वो हमारे घर से निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हो जाएंगे हमारे घर में और हमारे घर को डर्टी बनाएंगे। अ गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर बाथरूम फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। देयर शुड बी अ प्रॉपर कवर्ड टॉयलेट सीट। द ड्रेनेज फ्रॉम द ड्रेन फ्रॉम द किचन एंड टॉयलेट शुड बी कवर्ड टू कीप द मॉस्किटो एंड फ्लाइज अवे। द रेन वाटर शुड फ्लो अवे फ्रॉम द हाउस। तो आपको क्या समझ आया, एक गुड हाउस में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बाथरूम फॉर बाथरूम होना चाहिए, जिसमें वॉशिंग और बाथिंग के लिए अलग प्रॉपर सेशन होना चाहिए, मतलब वॉश बेसिंग होना चाहिए और जो हमारा बाथिंग एरिया है वो अलग होना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है, हमारा ड्रेन जो वाटर है वो कहाँ, किचन का और टॉयलेट का कवर होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा, नहीं अगर खुला होगा तो मॉस्किटो और जो हमारी फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज, वो प्रेजेंट हो जाएंगी, वो घर में बैठी रहेंगी और गंदा गंदा डर्टी डर्टी हैंड लेके अपना कहाँ आएंगे, हमारे खाने में भी आ सकती है, ड्रेस में भी आ सकती है, हमें हमारे घर को गंदा करेंगी। रेन वाटर भी हमारा फ्लो जो करता है वो अलग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हाउस से दूर होना चाहिए, नहीं तो मॉस्किटो और फ्लाइज क्या होगी, वो ग्रो करेगी, ब्रीड करेंगी, मतलब वो क्या करेंगे, अपने एग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन वाटर्स में। नेक्स्ट आता है, अ हाउस शुड हैव क्लीन सराउंडिंग। हमारे आसपास की जगह क्या होनी चाहिए, बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए। अ हाउस शुड हैव द क्लीन सराउंडिंग। प्लांट्स एंड फ्लावर्स नॉट ओनली लुक गुड बट ऑल्सो प्योरीफाई द एयर। क्या है, हमारे आसपास की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, हमारे आसपास फ्लावर प्लांट्स लगे रहने चाहिए, जिससे हमारे घर को सुंदर बनाता ही बनाता है, उसके अलावा क्या करता है, हमारे एयर को फ्रेश बनाता है। नेक्स्ट है, अ हाउस शुड ऑफर सेफ्टी। हाउस शुड बी अ सेफ प्लेस टू लिव इन, सो इट शुड हैव बेल्ट ऑन द डोर्स एंड बार्स ऑन द विंडो। द कवर्स फॉर कीपिंग कॉस्टली थिंग्स should have locks. Door and windows should be covered with a wire gadget as protections against insects. A house should have boundary wall and fence all around to the keep out the animals which may spoil the garden. तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे आसपास की जगह जो हमारा घर है वो क्या होना चाहिए, सेफ, हमारे घर के आसपास सेफ्टी रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं आ जाएं, या फिर एनिमल हमारे आसपास के जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सेफ्टी रखनी चाहिए। हमारा घर सेफ रहना चाहिए क्योंकि हम वहाँ रहते हैं। हमारे घर में क्या होना चाहिए, डोर्स होनी चाहिए, बेल उसको कवर करना चाहिए, और क्या है, हमारे बार्स लगे होने चाहिए, जो रेलिंग जिसे बोलते हैं उसका जो हमारा बार बना रहता है उसको कवर रखना चाहिए। विंडो ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंडो से कोई आ सके। हमारा जो कॉस्टली सामान है वो लॉकर में रखना चाहिए, जिसे बोलते हैं कवर्ड, अच्छा से लॉक करने वाला होना चाहिए। डोर और विंडो कवर होना चाहिए वायर नेटिंग से, जिससे आपके मॉस्किटोज इंसेक्ट्स ना आ पाए, और बाउंड्री वॉल भी ऊंची या फिर उसमें कुछ जिसे बोलते हैं बैरियर लगाना चाहिए, जिससे कोई बाहर के एनिमल्स या कोई आके आपका गार्डन ना खराब करे। नेक्स्ट आते हैं, वे टू कीप हाउस नीट एंड क्लीन। एवरी हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। सारे घर हमारे क्या होने चाहिए, सबके घर क्या होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। फर्स्ट, वॉश बेसिंग टॉयलेट एंड बाथरूम दैट ब्रीड जर्म्स एंड डिसीज मस्ट बी वॉश एंड क्लीन एवरी डे। क्या होना चाहिए, रोज की रोज वॉश बेसिंग टॉयलेट और बाथरूम हमारा क्लीन होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे जर्म्स उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे और जिससे हमारी क्या होगी, डिसीज क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस होने लगेगी, इसलिए हमें उसको रोज साफ करना चाहिए। डस्टबिन मस्ट बी केप अवे फ्रॉम द प्लेस वी कुक एंड ईट। हमारा डस्टबिन वहाँ से दूर होना चाहिए जहाँ से किचन से जहाँ खाना बनाते हैं ऐसी जगह से या खाना खाते हैं। दे इज शुड बी कवर्ड एंड क्लीनड एवरी डे। रोज वो साफ होना चाहिए और हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए डस्टबिन को। नेक्स्ट आता है, अ गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दैट कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस। और हमारे घर में प्रॉपरली जो होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नाली अच्छे से बनी होनी चाहिए, जिससे हमारा जो गंदा पानी है वो घर से निकल जाए, अच्छे से रुके ना। नेक्स्ट, गार्बेज शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेस।
गार्बेज ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ से क्या हो, वो गार्बेज अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर अच्छे से वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए सॉइल के साथ। ऐसी जगह फेंकना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जिससे वो जगह जगह क्या हो, हवा से उड़ के जाए या इधर उधर हो, जिससे हमारी गंदगी और फैले और हमें जर्म्स या इंसेक्ट्स प्रोड्यूस हो पाए। नेक्स्ट क्या है, वी शुड क्लीन द हाउस एवरी डे। हमें हमेशा घर अपना रोज साफ करना चाहिए। वी शुड मस्ट अ फिक्स प्लेस फॉर कीपिंग थिंग्स, दिस सेव द टाइम्स फॉर सर्चिंग देम। क्या होगा, हमें अपने घर रोज हमेशा साफ करना चाहिए, मतलब रोज साफ करना चाहिए, और हमें हमेशा अपना सामान एक प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए जिससे हमारा जो सामान है अगर हमें चाहिए होगा, जब नीड चाहिए होगा, हमें नीड होगी उस थिंग की, तो हमें वो आसानी से मिल पाए। नेक्स्ट, अ कूलर शुड बी ड्राई व्हेन नॉट इन यूज। कूलर जो होता है वो क्या होना चाहिए, जब हमारे यूज़ नहीं हो रहा हो कूलर, उसमें वाटर हो तो उसको क्लीन करके उसको सुखा के रखना चाहिए, नहीं तो उसमें वाटर में क्या होगा, इंसेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। द कर्टेन ऑन द डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी वॉश रेगुलरली। हमारा जो कर्टेन लगे होते हैं विंडो पे डोर पे, वो क्या होना चाहिए, वॉश होना चाहिए रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। ग्रो प्लांट्स अराउंड द हाउस कीप्स द एयर क्लीन। हमारे आसपास क्या होना चाहिए, प्लांट को ग्रो कराना चाहिए जिससे हमारे आसपास का जो एरिया है, इसका जो हमारे घर के आसपास का एरिया है, वो उसमें क्या होगा, एयर क्लीन एयर प्रोड्यूस होगी और अच्छी सी हमें फ्रेश एयर मिलेगी जिससे हम हेल्दी रहेंगे। नाउ चैप्टर इज कम्प्लीटेड, आपका कंप्लीट हो गया होगा चैप्टर, आप रिवाइज करते रहो चैप्टर, जिसे बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका क्वेश्चन आंसर और बाकी जो एमसीक्यू नहीं आएगा आपकी बार, सब रिटन आंसर्स होंगे। तो आप बी रेडी, रिवाइज ऑल द हाफ ईयरली चैप्टर्स। थैंक यू।